देख सकते हैं कि यूनिट जो है इस पे बिल्कुल जीरो लिखी हुई है, लेकिन इसका बिल जो है इस पे के ऊपर मेंशन किया हुआ है 7000 के करीब इसका बिल आया हुआ है। जो लोग प्यार से बात नहीं समझते तो इंशाअल्लाह ताला हमारे पास दूसरा तरीका भी है, या जान लेंगे या जान देंगे, लेकिन कभी किसी पे जुल्म नहीं करने देंगे। आप देख सकते हैं कि यूनिट जो है इस पे बिल्कुल जीरो लिखी हुई है, लेकिन इसका बिल जो है इस पे के ऊपर मेंशन किया हुआ है 7000 के करीब इसका बिल आया हुआ है। तो क्या ये यूज में नहीं है या क्या यूनिट क्यों जीरो है? सर ये ज्यादती है, ये मीटर नया लगवाया, ये नया मीटर है, उसमें भी 7000 का जो है इन्होंने बिल भेज दिया है। अभी आप खुद बताएं कि कारोबार बिल्कुल ख़त्म है, पिछले कोरोना की वजह से ख़त्म थे, आज जो है ताजरों भी जुल्म हो रहा है। ताजर जो है एक पढ़े लिखे, और जैसा कि आपको पता है कि हदीस में आया है कि इनका सच्चे ताजर ईमानदार ताजर का हशर किसके साथ होगा? अंबिया के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ होगा। अगर हमारी बात प्यार से नहीं मानेंगे तो वैसे भी मुहर्रम का महीना है, तो नया साल जो होता है हमें कुर्बानी का यही दर्श देता है। तो सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत जो है वो हमें यही दर्श देती है, और 10 मुहर्रम को शुहदाए करबला हसनैन करीमैन जो है वो भी हमें यही दर्श देती है कि प्यार से बात समझाई जाए। जो लोग प्यार से बात नहीं समझते तो इंशाअल्लाह ताला हमारे पास दूसरा तरीका भी है, या जान लेंगे या जान देंगे, लेकिन कभी किसी पर जुल्म नहीं करने देंगे, किसी ताजर पे जुल्म नहीं कर रहे थे। यूनिट इसका क्यों जीरो है? इसको कितना टाइम हुआ मीटर ये लगाया ही नहीं है, ये दुकान ही बंद है, दुकान बंद है, ये मीटर जिसका। अच्छा नाज़रीन, बड़े हैरत की बात है, दुकान बंद है, यूनिट जीरो है, लेकिन बिल 7000 रुपये आ गया। हर बिल के साथ 5000 रुपया फ्री दुकान पे टैक्स लग गया, और यहाँ पे सब गरीब ताजर हैं जिनकी दुकान पे एक एक हफ्ता सेल नहीं होती है, वो कहाँ से लाएंगे इतने पैसे जो बिल देंगे? हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। जो ताजर 300-400 रुपये की बिजली खर्च करता है उसके साथ उसका बिल जो है 12000-14000 रुपया है, और जो नॉर्मल 200-150 यूनिट इस्तेमाल करता है उसके पास जो बिल है बिजली का जुर्माना टैक्स लगाकर ये 45000 से 50000 रुपये तक का है। हम ऑलरेडी पिसे हुए हैं, कोरोना से अभी हम निकले नहीं थे, ऊपर से ये मौजूदा गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर जुर्माना टैक्स लगा दिया है, हम इसको नामंजूर करते हैं। बेचारे बुजुर्ग जो है कल मेरे पास आए थे, 7155 रुपये इनका बिल है, 11 यूनिट है और 7155 रुपये बिल आ चुका है। 7 यूनिट पे एक बिल आपने देखा जिस पे 0 यूनिट में 7000 के करीब बिल आया, और दूसरा आपने देखा जिस पे 11 यूनिट्स में जो है वो 7155 रुपये बिल आया। बड़ी हैरत की बात है, क्या हमारा महकमा बरकियात सो रहा है, या उनकी जो मुंतजमीन है वो सो रहे, या फिर वो जैसे कहते हैं अल्लाह तवक्कल बिना एक जज करके जो है वो बिल जो है वो सबको थोपे जा रहे हैं अपने बजट को पूरा करने के लिए, और आवाम को जितने भी ताजरान है इनको जो है वो डिस्टर्ब किया जा रहा है, इनको परेशान किया जा रहा है। जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं मुतासिन सबके साथ यही एक जो है महकमा बरकियात की तरफ से बिल थोपे गए, एक एक्स्ट्रा बिल जो लगाए गए हैं जो कि इनके अप्रोच से बाहर है, नॉन अफोर्डेबल है, उनकी तरफ से यही एहतजाज किया जा रहा है कि हमारे बिलों में जो ये बोझ डाला गया है वो डाला जा रहा है, इस पर हमें रिलीफ दिया जाए। ताजरान है इनकी तरफ से बिलों को जला दिया जा रहा है, ईमान दे जुल्म के जाब्ते। अंजुमन ताजरान बाराकों की तरफ से ठल चौक में इस वक्त बिल्लों को चलाया जा रहा है, इनकी तरफ से इंतहाई जो है वो गुस्से का जो है इनके तासरात देखने को मिल रहे हैं, और शदीद गुस्से की लहर इनमें पाई जा रही है, जो कि अंजुमन ताजरान इनका कहना यह है कि जो बिल्लों के इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं, इजाफी टैक्सेस की वजह से हमें जो है बोझ ज़्यादा हो चुका है, जो कि हमारे लिए नॉन अफोर्डेबल है।